और मुझे कैसा लग रहा है अजीब सा, गोप्रो चेक है, कल ब्लड पर चेक नहीं कर पाए थे, आज इस पर चेक कर पा रहे हैं, दोनों तरफ मिरर लगे हुए हैं। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग, आज नए सेटअप के साथ हैं अपन। नया सेटअप बोले तो ये मोटो ब्लॉगिंग वाला सेटअप है जो टर्बन के ऊपर सेट किया है हमने, दिखाएं एक सेकेंड, कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा। और हमारे पीछे राहुल सर बैठे हुए, बहुत टाइम बाद मिला आज मेरे को। ये सेटअप मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन नहीं किया। ये जो ऊपर वाला मास्क है और ये फाइजर मिरर है, ये मैंने ख़रीदा है KMM से, करण मोटो मार्ट से। और जो नीचे गोप्रो और जो ये जुगाड़ लगा हुआ है मेरा, ये मैंने खुद से सेटअप किया है। और क्योंकि मुझे टर्बन के ऊपर मोटो ब्लॉग करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ इस तरह से नया नया करते हैं, ऐसे मोटो ब्लॉग भी कर पाएँ और कोरोना से भी बच सकें। और अभी हम जा रहे हैं करण मोटो मार्ट पर, क्योंकि जो हमारा क्रैश गार्ड है बाइक का, ये विदाउट क्रैश हुए, क्रैश हो गया, तो इसको चेंज करवाएं या इसमें कुछ चेंजेस होते हैं देखते हैं, यहाँ पर जाके पता लगेगा। सुगंध भाई और अभय भाई के पास में, ये विंडशील्ड का ट्राई कर रहा हूँ मैं लगवाने की, पर इसके अंदर वाइट चाहिए मुझे, जिससे जो ब्लॉक करें मोटर ब्लॉगिंग के अंदर सारा क्लियर दिख रहा है सामने से, इसको हल्की सी ब्लैक सी है, मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ क्लियर दिखेगा। और जो जाना था क्रैश कार्ड हमारा क्रैश हो गया था, वही चेंज कर रहे हैं इसको, ये टूटा है इस तरफ से, तो जॉइंट है इसका ये वाला। Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. क्रैश गार्ड लगवा लिया है, जो विंडशील्ड है इसकी वो मुझे चाहिए वाइट कलर के अंदर, तो यहाँ पर अवेलेबल है ब्लैक कलर की, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। और एक इंडिकेटर जो टूट गया हमारी बाइक का वाइब्रेट होने के बाद, चिपका भी लिया, जुगाड़ कर लिया पर सक्सेस नहीं हो रहा, तो दोनों इंडिकेटर नहीं लगवा देते हैं। और ये चैन ल्यूब और चैन क्लीनर दो ये लिए हैं, साथ में ब्रश फिट करवाते हैं और फिर चलते हैं अपना 78 नंबर लेने, RJC का जो 78 नंबर है वो ले कहते हैं, किसके पास है कैसे है वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ वाइब्रेशन में टूटा था, फिर हमने कुछ जुगाड़ किया, फैब्रिक वगैरह लगाई, मिट्टी की भरी इसके अंदर जुगाड़ करके, पर सक्सेस नहीं हो, गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इससे जुगाड़ चलता नहीं है। तो मैं ये ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ, जब दूसरा वो टूट जाएगा तब उसको नया लगवा लेंगे। Seconds late. हेलो भैया, यहाँ झारखंड महादेव के मंदिर पे आ गए थे हम, ठीक है। ग्रीन एवेन्यू, ठीक है, उसके अंदर सीधा सीधा आना, करीब 100 मीटर आ जाओ, मैं पहुँच रहा हूँ। तो भाई जैसा मैंने बताया था कि RJC का जो 78 नंबर है वो रजिस्टर्ड है किसी और नाम पे, तो जो विक्रम भाई हैं अपने जो RJC के फाउंडर हैं, उनसे मैंने बात की थी कि मुझे 78 नंबर चाहिए, वो बोले यार 78 नंबर तो किसी और नाम पे है, आप कोई और नंबर ले लो। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करी उनसे, वो बोले यार मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद अपने लेवल पर कुछ कर सको तो ट्राई कर लो। तो फिर मैंने जो RJC की वेबसाइट है उसके ऊपर सर्च किया, इन भैया का नाम निकाला मैंने, नाम मुझे एक्जैक्ट पता नहीं, भी मिल के बताऊँगा क्या नाम है इनका। तो मैंने उसे बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट करे, मुझे ना RJC ज्वाइन कर लिया है मैंने, पर मुझे नंबर 78 चाहिए जो आपके पास में है। बोले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले लो। और इनके जब परमिशन मिली, फिर मैंने विक्रम भाई से बात करी, मुझे RJC का 78 नंबर मिल गया, वो कह रहे हैं आप ले लो मुझे। तो मैंने पेमेंट किया RJC को, जो भी ग्रुप की मेम्बरशिप होती है वो ज्वाइन किया, उसके बाद में उनको विक्रम भाई ने नया नंबर अलॉट कर दिया और मुझे अपना 78 नंबर मिल गया। टी शर्ट इसके अंदर कंपल्सरी है ग्रुप की, तो मैं जा रहा हूँ मुझे टी शर्ट लेने के लिए, और टी शर्ट लेने के बाद में देखते हैं टी शर्ट कैसी है, साइज़ का भी इशू हो सकता है और नंबर एग्जैक्ट उसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है या कैसी प्रिंटिंग है, वो थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी अपना शेयर करते लोकेशन, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा बस मैं। तो
थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया मेरा, क्योंकि जो मेरा बहुत टाइम से मन था ना आरजेसी को ज्वाइन करने का, और ज्वाइन करने का 78 नंबर वाला, तो वो मुझे आज पूरा हो रहा है। और इस टी शर्ट को लेने के बाद मुझे विक्रम भाई को फ़ोन करना, उनको बताना फिर टी शर्ट मैंने ले ली है। और आरजेसी की जो वेबसाइट है उसके 78 नंबर के ऊपर भाई अपना नाम आप नोट करवा दें, जिससे लगे कि हम इसके मेंबर हो गए हैं। हाँ ये बात भी ठीक है, तो मुझे लगा जीप खड़ी तो भाई उसी की होगी जिससे हम नंबर लेने जा रहे हैं 78, पर हम कह रहे नहीं उसी की नहीं हो सकती, एक जीप दिल्ली में भी खड़ी है तो दिल्ली चले, तो दिल्ली चलो भाई साहब, मजे ले रहे हो बैठे बैठे। तो देखते हैं 23-24 ये 10 है, ये तो थैंक यू सो मच भैया का 78 नंबर के लिए मैंने इनको कॉल किया था और इन्होंने मुझे टी शर्ट दे दी। नंबर कौन सा मिला आपको? मैंने 141 लिया। 141 ले लिया, तो ये खाली था? ये खाली था, ये पहले मेरे पास। हाँ मतलब खाली, मतलब मेरे लिए खाली हो गया था। थैंक यू भाई का यार, क्या नाम है? मानदातार भैया। मानदातार, तो उस पर आपका नंबर मतलब आरसी के ग्रुप के ऊपर रजिस्टर था आपका 78, तो विक्रम बना से आप रिक्वेस्ट करेंगे चेंज करने के लिए? नहीं मैंने उनको फोन कर दिया था आपका जो पहले कॉल आया था, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा दूसरा नंबर दे देना, वो राजा 70 में अगर एक एक क्लिक कर लूँ एक बार इसकी। बिल्कुल यार राहुल आ जाए एक सेकेंड। इतने टाइम की मेहनत के बाद जो भैया ने टी शर्ट देना, इतनी खुशी हुई यार। और जो बोला आर जैसे 78 अब तक भाई की गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, और यार टी शर्ट मतलब आपने खोली भी नहीं इसको? मैंने खोली नहीं, देखो ना स्टिकर लगा हुआ भी मेरे नाम से, ये देखो ना 78 साइज XL। यार मज़ा आ गया भाई। ठीक है भाई, ठीक भैया, थैंक यू यार, गाड़ी खड़ी है। सर मैं ले तो आया, पर वो कह रहे थे कि इसका लार्ज साइज है, और मुझे लग मेरा लार्ज है, उस पर लिखा हुआ XL और अंदर भी XL लिखा है। ये टी शर्ट है, लिखा हुआ है 78, ये रहा हमारा 78 आरजेसी 78। मैं सोच रहा था यार ये कह रहा था उसके ऊपर नहीं लिखा होगा, पर नहीं लिखा है, गुड यार। और इधर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ राजस्थान जीप क्लब 78 नंबर, और फिर बस आ गया यार, खुश हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कुल मिला के टोटल मार गया, अच्छा लगा टी शर्ट आपको? हाँ, अच्छी लगी टी शर्ट, अच्छी है। और जो आर जैसे के स्टेकर्स हैं वो विक्रम बना से बात करके, विक्रम भाई से बात करके वो अपनी गाड़ी के लिए अपन ले लेंगे, उनसे बनवा लेंगे और अपनी XUV के ऊपर उसको चिपका लेंगे।